एक ही रात में जिले में दो बड़ी वारदातें हुई हैं। पहली वारदात अटरिया इलाके में हुई है, जहां घर में घुसकर एक पक्ष पर हमला किया गया है। आरोप हथगोला और गोलियां चलाने का है। वारदात में दो सगे भाई गोली लगने से घायल हुए हैं। इन्हें इलाज के लिए लखनऊ ट्रामा सेंटर भेजा गया है, जबकि उसी परिवार के दंपति भी चोटिल हुए हैं। पुलिस मामले में जांच कर रही है। दूसरी बड़ी घटना लहरपुर इलाके में देर रात घटित हुई है। बताते हैं कि परचून का सामान लेकर जा रहे एक वाहन को गोबरैया पुल के करीब बदमाशों ने रोक लिया। इस बात की खबर जब इलाके के लोगों को लगी तो उन्होंने बाकायदा इन बदमाशों का मोर्चा संभाला और इन्हें दबोच भी लिया। इस घटना के दौरान बदमाशों के हमले से दो लोग घायल हुए हैं। ग्रामीणों ने दो बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। कुछ असलहाधारी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए हैं। घायलों का इलाज लहरपुर स्वास्थ्य केंद्र में हुआ है। फिलहाल पुलिस दोनों ही मामलों में जांच पड़ताल में लगी है। पहली घटना अटरिया इलाके के सोनरतला मजरा दक्षिण गांव की है। बताते हैं कि प्रेम विवाह को लेकर दो पक्षों के बीच काफी समय से अनबन चली आ रही थी। इस बात को लेकर कई बार विवाद भी हुआ। देर रात ये विवाद गहरा गया। दोनों के पक्ष आपस में भिड़ गए, मारपीट हुई। आरोप कई राउंड फायरिंग के साथ हथगोले चलाए जाने का भी है। जानलेवा हमले में दो सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इन्हें इलाज के लिए लखनऊ ट्रामा सेंटर भेजा गया है। परिवार के दंपति को भी मामूली चोट आई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों की तलाश शुरू की है। जांच पड़ताल शुरू हो गई। दूसरी घटना लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के गोबरैया पुल के करीब हुई है। बताते हैं देर रात परचून का सामान लेकर एक वाहन लहरपुर की ओर जा रहा था। गोबरैया पुल के करीब बदमाशों ने इस वाहन को घेर लिया। चालक मुस्तकीम और खलासी जमील ने किसी तरह से फोन करके पड़ोस के लोगों को इसकी सूचना दी। इलाके के ग्रामीण इकट्ठा हुए और इसी के बाद बदमाशों की घेराबंदी शुरू हो गई। ग्रामीणों की माने तो बदमाशों ने गोली चलाई। इसी जानलेवा हमले के बीच खुद की परवाह ना करते हुए ग्रामीणों ने दो बदमाशों को दबोच लिया। जानलेवा हमले में दो ग्रामीण घायल भी हुए हैं। इनका इलाज स्वास्थ्य केंद्र पर हुआ गया है। घायल लोगों में समी और मोहम्मद अजीम शामिल हैं। पुलिस ने इनके बयान दर्ज किए हैं। लूटपाट के प्रयास की घटना को लेकर पीड़ित पक्ष ने पुलिस को तहरीर दे दी है। घायलों का मेडिकल परीक्षण हुआ है, उनके बयान भी दर्ज हुए हैं। कैमरामैन अंकित के साथ जीशान कदीर, स्टार इंडिया लाइव।